हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग विद अ न्यू वीडियो। टाइम हो गया है सुबह के 7:30 का और तनी से बस रेडी स्कूल जाने के लिए। ये रही, देखो ये अपनी चटनी, ये एक्चुअली में पूरी और सब्जी खा रही है। मम्मी ने दी थी साथ में चटनी, तो चटनी मुंह में लगाने पड़ गई। इसे बोला बेटा चटनी खा ले, तो मुंह में लगा रही चटनी। ये देखो बेटा चटनी लगा के मुंह पे लगा के कैसा लग रहा है? बढ़िया है, बहुत बढ़िया लग रहा है। बेटा ये खाने के लिए थी, लगाने के लिए थी? कोई बात नहीं, लगा लिया हमने। ओह ऑयल में ना मुल्तानी मिट्टी, एलोवेरा जेल, रोज वाटर है। हाँ तो कोई बात नहीं, वो साथ में खानी इतना। आज से तनिषा का है हाफ ईयरली प्रैक्टिकल। ऑल द बेस्ट बेटा, ऑल द बेस्ट बेटा फॉर योर प्रैक्टिकल्स। धन्यवाद आपका। जल्दी कर बेटा, जा मम्मी से बैग लेके आ जा, वहां से ले आइए बैग। इधर मेरे बैग, ये बैग जोड़ लिया है, जोड़ना क्यों फट गया था क्या बेटा? फट गया था बैग जोड़ने? किताबें किताबें पड़ गई थी बेटा। देखो ये अब मम्मी कैसे खाती है खाना, अभी इतनी बड़ी हो गई है, इसलिए मैं खिला रही हूँ। अच्छा वो तो रोज ही खिलाते हो, नई बात क्या है? बेटी को तो रोज खिलाना चाहिए। ओ हेलो, रोज खिलाते तुम? लपेटे वो कह रहा खाना, तुम कह रहा खाना खिलाओ, तुम रोज रोज खिलाते हो? सुबह सुबह बस खाती हूं, रोज बस सुबह से खिलाते, इस बार अपने खाती सारा दिन। तो रोज तुम कह रहा रोज तो बेटा, वो रोज तो खुशबू, रोज तो पूजा। ये देखो ये खाती कम है, खाती जा रहा है, टाइम कम है ना, इसलिए जल्दी खिला रही हूं। आज से रिचार्ज का प्रैक्टिस हुआ है? हां हाफ ईयरली, और नेक्स्ट मंथ 6 तारीख से के हाफ ईयरली थ्योरी राइटिंग वाले शुरू हो जाएंगे। आपको क्या लग रहा है बेटा, खत्म कब होएंगे बोली? पता नहीं, पहले शूट हो जाए। और 5-5, 4-4 दिन का गैप है। बेटा मैं पहले कह रहा बेटा मत कर, मत कर, छोड़ रहे हो बेटा, इधर घटते नहीं, झाड़ते हैं हमेशा। मैंने आपको से निकाला है तो बहुत सूखा सूखा लगा, इसलिए गिर रहा है, गीला गीला लगाती तो नहीं गिरता। कर बेटा इसमें एक काम कर, ऐसे वो डाल दे, इधर डाल दे, इधर किसे रस डाल दे इसमें। क्या कर रही है ये बेटे, इसको बेड में खा ले, मैं करूँ मेरे लिए? अच्छा ठीक है, तो चलिए बस ऐसे स्कूल का टाइम हो गया, इससे पहले मैं स्कूल छोड़ के आता हूँ। तो भाई बस अभी तैयार है स्कूल जाने के लिए, इसने नाश्ता कर लिया, नाश्ते में से खाई थी पूरी और काले चने। बेटा पेट भर गया था तेरा? 10 पूरी खा कर पेट भर गई है? क्या कर रहे हो? टाइम नहीं, टाइम नहीं, जल्दी जा पापा। क्या कर रहे हो? 10 पूरी थोड़ी ना खाई, 2 पूरी खाई है। नहीं मैं अपनी मार करूँ, मैंने मैंने सिर्फ 10 पूरी खा ली है। चल बेटे जल्दी, टाइम हो गया तेरा। हाँ मेरे हाथ हो गया और कितना हूँ? आ नहीं बेटा अब जा स्कूल जा, इसे बहुत चिंता है, सिर्फ स्कूल बैग रेडी है। चले बेटा तो चलिए बस मैं इसको छोड़ के आ रहा हूँ आपको थोड़ी देर बाद। तो गाइस टाइम हो गया है करीब 9:45 का टाइम है, और बस हम लोग अभी छोड़ के आया था, फिर नाश्ता किया, नाश्ते में वही पूरी और छोले खाए थे, काले चने थे। बाहर मैं आपको बताना भूल गया था, कल रात को बहुत तेज बारिश हुई थी, बहुत तेज। आपको दिखाता हूँ बाहर का मौसम, आप देखो सड़क सारी गीली है। हम लोग सुबह उठे थे करीब 6 बजे, तो बहुत तेज बारिश थी, बहुत इतनी तेज बारिश हुई थी। यहाँ पर ये काम कर रही है अभी, और बस हमारा नाश्ता रिचा ने, रिचा नहाने गई हुई है अभी, रिचा गई नहाने, तो अभी वो आकर के पूजा वूजा करके उसके बाद ही वो अपना नाश्ता चलेगी। अरे मुझे भूख लगी थी, मैंने सुबह कर लिया नाश्ता, चल लिया, मैं वो आएगी तो मैं नहाने जाऊँगा। और बाकी चलिए अभी मिलते हैं थोड़ी देर में, तनिषा अभी आ जाएगी आज, कह रही की भाई उसकी 11:45 पे क्लास खत्म हो जाएगी, आज उसके हाफ ईयरली के प्रैक्टिकल शुरू हो रहे हैं, और प्रैक्टिकल पढ़ने बाद आज कैसे क्या आती है देखते हैं। वैसे तो तैयारी तो की हुई थी उसने, पढ़ाई तो कर रही थी पूरी रात, लेकिन बच्चे हैं देखते हैं क्या होगा उसका। तो भाई टाइम हो गया है दोपहर के, बजने वाले हैं 3, और मैंने बिल्कुल जैसे भी खाना खाया है, खाने में वो रिचा बना के गई थी काले चने, और साथ में रोटी बनाई थी, तो बस मैंने वही की थी, खाई थी। और तनिषा यहाँ पर है, उसका वो हाफ ईयरली प्रैक्टिकल चल रहे हैं, तो कह रही आज का तो सही हो गया, अब मंडे को है,
और रिचा गई हुई है करोलबाग, क्योंकि उसने एक ड्रेस ली थी वहाँ से, तो वो डिफेक्ट निकली है, डिफेक्टिव है वो, उसको चेंज कराने गई हुई है तनीषा। रिचा करोलबाग अकेली गई है, आज मैंने ये मेरे मन नहीं था जाने का। और बाकी मौसम तो बहुत ही अच्छा है बाहर का, आपको दिखाता हूँ, मौसम बहुत प्यारा है। क्योंकि रात को बहुत तेज बारिश हुई थी तो मौसम में बहुत अच्छी ठंडक है, बहुत अच्छी मौसम ठंडा है। और मेरा तो कहना नहीं था, क्योंकि मेरे को कमर दर्द की प्रॉब्लम है, तो मैं थोड़ा रेस्ट ही कर रहा हूँ। और बाकी इलाज तो चल रहा है, दवाई भी चल रही है, आराम आएगा धीरे धीरे। डॉक्टर कह रहे हैं कि रीढ़ की कोई नस है उसमें, कोई रीढ़ की जो पीठ में जो रीढ़ की हड्डी उसके बीच में कोई नस है, वो नस दबी है, तो वो नस दबने की वजह से आपको रीढ़ में, पीठ में और पैर में उसका दर्द हो रहा है आपको बार बार, बस उसकी दवाई चल रही है। तो बस चलिए, अब मैं चाय पी रहा हूँ और आपसे पीता हूँ, आपसे मिलता हूँ चाय पीने के बाद। तो गाइस टाइम हो गया है शाम का करीब 6:30, और रिचा भी आ गई है वहाँ से, इसका काम हुआ नहीं क्योंकि वो भैया ने बोला कि इसका कपड़े उन्होंने चेंज करने से मना कर दिया, कि वो कहते मेरे कपड़े है ही नहीं है, उसने मना कर दिया कि मेरे है नहीं कपड़े, रहन दो अब चेंज नहीं है, क्या चेंज नहीं होंगे, चेंज नहीं होंगे। ये तुम तो कह रहे कि वो कह रहे कि भी मेरे, ये तो तुम तो बोले थे कि वो कह रहे मेरे ही नहीं है, अब वो कह रहे मेरा नहीं है, अब मैं तो YouTube पे दिखा दूंगी, अब कह रहे आप दिखा देना दुकान का, दुकान में। हां तो ये बोला ना कि चेंज नहीं होगा, अलग बात होती है, उसने बोला था चेंज नहीं करेंगे, अब कैसे मेरे से थोड़ी चेंज करेंगे, मतलब ये बात बोली थी वो, पहले तो ये बोला था कि भाई यार ये मेरे कपड़े नहीं तो मैं चेंज कैसे कर दूं, हां तो हां तो बेटा उसे इनकार कर दिया अपने कपड़े पहचानने से, तो रहने दो आगे से उसी दुकान जाना ही नहीं, उसकी बहस हो गई काफी बहुत, उसे उसको अपडेट लेना नहीं है। तो उससे चलिए, और अभी मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के घर, फ्रेंड के घर जा रहा हूँ, हम सब जा रहे हैं, तनिषा भी आ रहे हैं। तो गाइस टाइम हो गया है, रात का बज गया 10, और हम लोग अपने फ्रेंड के घर से जस्ट अभी थोड़ी पहले आए हैं, खाना हमने वहीं खा ही लिया था, उन लोगों ने खाना वहीं खिला दिया था वहीं पर ही, तो अब सबको भूख तो किसी को है नहीं, तनिषा आते ही लेट गई है, कल क्योंकि कल है संडे, तो ये कल आराम से उठेगी, कल तुमने कपड़े धोने सफाई करनी है, हाँ कल सफाई, मेरे को एक मिनट मत किया करो भाई, एक नहीं करोगे क्या होगा, झाड़ू मार लो खाली, पोछा मत मारो, झाड़ू मार लो, झाड़ू मार लेने जा रहे हो, ठीक है पोछा मत मारा करो, अब 6 दिन पोछा लगता है, एक नहीं लगेगा कुछ होगा। तो रिचा मेरे को चाय देखो उबल की होगी, हाँ तो चलिए बस, अब आज का ब्लॉग यहीं पर करते हैं, आप आपसे मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, तो आपसे मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, गुड नाइट।